बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, नूं कैसे हैं आप? तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले तुसी किद्दां? तुसी ठीक हो? आज हम एक बनाएंगे, पता नहीं ये फ्रूट सैलड कह लें, वेजिटेबल सैलड कह लें, पास्ता सैलड कह लें, ताड़ी मर्जी आ, लेकिन ये रशियन सैलड नहीं, शायद रशियन सैलड की भैन आ। आज हम वो बनाएंगे, बिल्कुल तो नहीं वैसा लेकिन उस जैसा लगेगा। तो बंद गोभी लंबी लंबी 150 ग्राम के करीब काट के डाल लें, और 2 कप पास्ते के डालें, 2 केले डालें बारीक काट के क्यूब्स की सूरत में, हमने 2 सेब काट लिए हैं, और इसके अलावा इसके अंदर हम एक लीमू जो है वो तकरीबन आप 1 टेबल स्पून भर के ना लीमू का रस डाल दें, बस उतना कि हम इस पे निचोड़ेंगे। ध्यान से लीमू काटिएगा, बीच निकाल लें। तो फिर इस पे हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून हमने भर के इसमें ना पिसी चीनी डाल लेनी है, घर में पीस लें आप लोग ना ब्लेंडर में जिसमें मसाला पीसते हो, और 1/2 कप जो है ना मेयोनीज डाल देना है, और 1/4 टेबल स्पून नमक डालना है, और 2 टेबल स्पून आपने इसमें क्रीम डाल लेनी है। ये सारी चीज़ें डाल के ना तो इन्हों अच्छी तरह मिक्स कर लें आप लोग, तो बहुत ही बढ़िया, बड़ी मज़ेदार और झटपट बन जाएगी। कोई गेस्ट आए ना फ़ौरन से ये वाली आप जो है ना एज अ स्वीट डिश जो है वो रेडी कर सकते हैं, बजाय आप के जी चूल्हे पे पकाएं कुछ ये वो, तो ये ऐसे ही सिंपल आप काम चला सकते हैं, और लजीज भी बड़ी बनती है, बड़ी मज़ेदार बनती है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये ना इसमें जो फ्रूट्स हैं पास्ता है वो ज़्यादा नज़र आता है, तो बाकी जो इसमें हमने मेयोनीज और वो क्रीम डाली है वो कम कम नज़र आनी चाहिए, यही इसकी ख़ास बात और मज़ेदारी की बात है, और मज़ेदार बनती है। आप लोगों के पास अगर क्रीम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेयोनीज जो है वो आपने लाजमी डालनी है। बड़ी मज़ेदार, बड़ी ही यूनिक सी ये रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों साथ, अपनी फैमिली साथ, ख़ास अपने वालदैन के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।